नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में आने वालों के लिए पास जरूरी, एक से दूसरे जिले में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, रेड और ग्रीन जोन के अलग अलग व्यवस्थाएं। देहरादून में दौड़े लगे ऑटो विक्रम, जरूरी सेवाओं के लिए सभी कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। आज से चलेगी दून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस, रेलवे की ओर से सभी तैयारियां पूरी, पहले ही दिन सभी सीटों की पूरी बुकिंग। आज से लागू हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड, राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी मिलेगी सुविधा, एक ही राशन कार्ड से किसी भी राज्य में ले सकेंगे राशन। उत्तराखंड में 158 मरीजों में कोरोना की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या पहुंची 900 के पार, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला, प्रदेश भर के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश, तापमान ने लगाया गोता। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आधार पर आज मोटे तौर पर जो आंकड़ेबाजी उपलब्ध है उससे 11 करोड़ से ज्यादा जॉब्स एमएसएमई ने दिए हैं। इस एमएसएमई की कोई मूलभूत समस्याएं भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बहुत ऐतिहासिक बदल करेंगे। आपको पता होगा कि 2006 में एक एक्ट पास करके एमएसएमई की व्याख्या की गई थी और वो व्याख्या जो थी वो उसके बाद घोषणा और उसमें आज का बदल, तीन बातों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जिस्टिंग यानी सबसे पहले पुराना जो बात थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों अलग किए गए थे और उसमें माइक्रो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट यानी टर्म लोन जो होता है जिसमें इक्विपमेंट एंड फिक्स मशीनरी जो होती है, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट वो माइक्रो में 25 लाख थी और टर्नओवर जो था वो 10 लाख का था। अब माइक्रो में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हुई और टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ, 10 लाख का एकदम 5 करोड़ हो गया। बाद में आज जो मीटिंग हुई उसमें यही कायम रखा हुआ है। फिर दूसरा सेक्टर था स्मॉल सेक्टर। हाँ, एक नई बात हुई है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर है उसको दोनों को एक कर दिया है, ये अब अलग अलग नहीं रहे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की थी वो 10 करोड़ की हुई है और जो टर्नओवर 2 करोड़ का था वो अब 50 करोड़ का हुआ है, यानी 25 गुना बढ़ा है। जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी उसके लिए पहले इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ थी और टर्नओवर 5 करोड़ का था। जो घोषणा हुई 13 मई को जो पैकेज हुआ था उसमें इन्वेस्टमेंट हुई थी 20 करोड़ की और टर्नओवर हुआ था 100 करोड़ का। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हुआ क्योंकि हमने अलग अलग एसोसिएशन से जब इंटरेक्शन किया और अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन से इंटरेक्शन करने के बाद सबने हमें ये कहा कि ये जो टर्न लिमिट है ये बढ़ानी चाहिए और जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग वो टर्नओवर इससे निकाल देना चाहिए। तो आज हमने उनकी बात भारत सरकार ने स्वीकार की और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग में निर्णय हुआ कि अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी, जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई और जो टर्नओवर था जो 100 करोड़ हुआ था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी, ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो चाहे स्मॉल हो चाहे मीडियम हो वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है और इससे निश्चित रूप से हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी और एमएसएमई के करके जो एडवांटेज है वो सभी प्रायोरिटी के रूप में हमारे इंडस्ट्री को मिलेंगे
और इससे नए रोजगार भी निर्माण होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में इनका सहभाग भी अच्छा होगा। दूसरे दो महत्वपूर्ण निर्णय जिसके बारे में आज फिर से डिटेल में उसका भी प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया, रिजर्व बैंक ने एक यूके सिन्हा कमेटी अपॉइंट की थी, उन्होंने दो रिकमेंडेशंस उनके भी उस समय थे, आज उसके ऊपर आज हमारे मीटिंग में फाइनल उसका निर्णय हुआ है। दो थे, एक डिस्ट्रेस एसेट फंड और दूसरा क्रिएशन ऑफ फंड फॉर एमएसएमई। ये डिस्ट्रेस एसेट फंड जो है, आपको पता है कि एमएसएमई इस समय कठिन परिस्थिति से गुजर रही है और आपको ये याद होगा कि मैंने मार्च में पार्लियामेंट में शायद 12 या 13 मार्च के दरमियान एक जवाब दिया था, तब हमारे बैंकिंग सेक्टर ने 6 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर किया था और ये मुदत 31 मार्च में थी। बाद में आदरणीय वित्त मंत्री जी की अनुमति से ये मुदत हमने 31 दिसंबर तक की है और इसमें करीब 25 लाख एमएसएमई जो अड़चन में है उनका रिस्ट्रक्चर होने की उम्मीद है। अब ये जो फंड ऑफ फंड हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये बहुत ही आधार पर जो कमजोर एमएसएमई है, जो आर्थिक दृष्टि से एनपी अकाउंट हो गया है, बंद पड़ी हुई है, उनके कारण सबसे बड़ा इसका रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए उसका उपयोग होगा, उससे वो इंडस्ट्री वायबल हो जाएगी। ये डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड जो बनाया गया है ये 4000 करोड़ का है जिसके लिए आज अनुमति मिली है। अब ये 4000 करोड़ में आपको पता होगा कि एमएसएमई की कोई भी स्कीम जो बैंक लोन देती है तो पहले भारत सरकार हमारा विभाग अगर 1 लाख करोड़ का अगर लोन देती है तो उससे 1.5% यानी 1500 करोड़ हम लोग CGTMSE करके एक इंश्योरेंस ट्रस्ट है, हम उसमें पैसे भरते हैं और वो 75% लोन की गारंटी लेता है। तो ये जो 4000 करोड़ रुपए है, ये जो फंड मंजूर हुआ है, इसको वैसे 10 गुना होना चाहिए, पर ये स्ट्रेस एसेट है, एनपीए में आए हैं, रिस्क है थोड़ी, तो 5 गुना करके ये होगा 20000 करोड़ का। और ये 20000 करोड़ का फंड है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जिस एमएसएमई की ऋण जो है इसको उनको हर जो अड़चन में आई है, प्रेजेंटली जो हमारे एनपीए के नॉर्म्स है इसमें रिस्ट्रक्चरिंग हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिसी में ये बैठते नहीं। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद जो कुछ भी इस बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं उसी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। 400 करोड़ रुपए का एमएसएमई के लिए फंड निकाला गया, जिसके बाद एमएसएमई जो नीचे जा चुके हैं उसको ऊपर रखने के लिए और भी जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ये फंड रिलीज किया गया है। बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस जारी करी है। इसके तहत राज्य में सड़क के रास्ते आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। पास के साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर पहले की तरह से ही प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या कुछ है अहम जानकारी। एक से दूसरे जिले में जाने को पास जरूरी नहीं। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। अंतरराज्य यात्रा करने वालों के लिए क्वारंटीन के नियम भी पहले की तरह से ही रखे गए हैं। दुकानें सुबह 7 से 4 बजे तक खुलेंगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। रेड जोन में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के अलावा सभी कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। श्रेणी 1 और 2 के सभी कर्मचारी और श्रेणी 3 और 4 के 33% कर्मचारी मौजूद रहेंगे। तीर्थाटन पर कोई फैसला नहीं। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सेवा क्षेत्र और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति दी है। इसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन और तीर्थाटन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन था। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार सोमवार से 1 जून से पूरे देश में लागू हो गया है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 नाम दिया गया। बहरहाल
नए दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में काफी हद तक ढील भी दे दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए सीमा खोल दी है और इंटर स्टेट परिवहन को मंजूरी दे दी है। अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लॉकडाउन में छूट देने का रास्ता साफ करते हुए राज्य के अंदर और अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक हटा दी गई है। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखता हूँ। जिस तरीके से इस समय केसेस बढ़ रहे हैं देहरादून जैसे शहर में, छोटा सा शहर है और यहाँ कम्युनिटी स्प्रेड होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, तो गवर्नमेंट को छूट घटा देनी चाहिए बढ़ाने की बजाय। खासकर बाजारों का समय जो 7 से 7 किया गया है उसको 7 से 4 या 7 से 2 कर देना चाहिए ताकि लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें। मंगलौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने ASDM को एक ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड की विद्युत व्यवस्था को निजी हाथों में देने का विरोध किया गया। वहीं उन्होंने अनलॉक 1 के तहत बाजारों को केवल सुबह 7 बजे से 1 बजे तक ही खोलने की बात कही है। बता दें कि किसानों ने आज गुड मंडी स्थित अपने कार्यालय पर ASDM गोपाल सिंह चौहान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन सौंप कर कहा है कि सरकार विद्युतीकरण के साधनों को निजी हाथों में सौंप कर किसानों के साथ अन्याय करने का काम कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने अनलॉक 1 के तहत सारा दिन खोले जाने वाले बाजारों पर भी विरोध जताते हुए कहा है कि अभी देश से कोरोना की महामारी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि देश में कोरोना पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार को खुले बाजारों के समय में कटौती करनी पड़ेगी और लोग आवश्यक रूप से बाजारों में एकत्र ना हो और भीड़ भी ना बढ़ पाए। मालूम होता है कि केंद्र सरकार बिजली को निजीकरण करने के लिए जा रही, और पता लगा कि जो केंद्र शासित राज्य थे उनमें निजीकरण कर भी दिया गया। तो हमारा मानना यह है कि एक तो ऐसी कोरोना जैसी भयंकर महामारी से हमारा देश बहुत ही भयंकर परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में हम पहले देश की जनता के लिए खाद्यान्न की तैयारी करें कि खाद्यान्न कहाँ से होगा, हमारे जो मजदूर प्रवासी हैं उन्हें भोजन कहाँ से मिलेगा, और हमारी सरकार बिजली के निजीकरण कर निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने में लगी हुई है। अपन तो जो बिजली के निजीकरण की बात जो की जा रही है, किसान यूनियन का कहना है कि जो सरकार है वो बिजली का निजीकरण कर रही है उसका हम विरोध करते हैं। उस टाइम भी हमने विरोध करा, अब हमें दोबारा से पता लगा। अब इन्होंने एक मौके की तलाश कर ली सरकार ने, अब लोग तो अपना घरों में बंद हैं और तुम शायद में मामला पास कर दो। वो तो खैर हमें लग गया थोड़ा पता किसी तरीके से, तो आज उसी वजह से हमने ये ज्ञापन दिया। और इसका बहुत बड़ा एक विरोध होगा, लोग लॉकडाउन हम मानने के लिए खुली बात है अगर ये ऐसा करेंगे। सितारगंज केंद्रीय कारागार के 5 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कैदियों के पॉजिटिव आने के बाद इनकी चैन बढ़ने की आशंका में अधिकारियों में खलबली मच गई है। जेल में बंद अन्य कैदियों से लेकर कर्मचारी अधिकारियों तक खतरा बढ़ गया है। सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक धादीराम मौर्य के अनुरोध पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 56 कैदियों के रैंडम सैंपल जांच को भेजे। इनमें से 5 कोरोना पॉजिटिव निकले। वरिष्ठ अधीक्षक धादीराम ने बताया कि इन कैदियों में से 3 बुजुर्ग हैं। कैदियों के संपर्क में आए अन्य कैदी कर्मचारी में भी आने की आशंका बढ़ गई है, इसकी पड़ताल की जा रही है। सितारगंज CHC के CMS डॉक्टर राजेश आर्य ने भी 5 कैदियों के कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि करी। की सैंपलिंग सेंट्रल जेल में की जा रही थी, उसी क्रम में कल 5 बंदियों की संक्रमण की पुष्टि हुई है, कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिन्हें की हमारे द्वारा रात ही आइसोलेट किया गया है और रुद्रपुर भेज दिया गया है। उसी क्रम में हमारे द्वारा जो संपूर्ण कारागार है उसको क्वारंटीन कर दिया गया है, और आज सब पहले चरण में हम जो वहाँ के जितना भी स्टाफ है उसकी सैंपलिंग करेंगे, और अगले चरण में फिर जो अलग अलग बैरिकों में बरेता के हिसाब से उनकी सैंपलिंग की जाएगी। बागेश्वर में कोरोना के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी ने कई टीमों का गठन किया है। टीमों को निर्देश भी दिए गए हैं कि अपने अपने कार्य को ठीक तरीके से करें, क्योंकि लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। DM के निर्देश के बाद बड़ी ही कुशलता के साथ अधिकारी कार्य कर रहे हैं और लोगों को हर संभव मदद भी की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देश में ग्राम स्तर पर ग्राम समिति द्वारा नियंत्रण साफ सफाई की व्यवस्था करी जा रही है और फैसिलिटी सेंटर को सैनिटाइज करने के साथ लोगों को मास्क वितरण भी किया जा रहा है, और नगर पालिका बागेश्वर द्वारा स्टैंडिंग एरिया बिलौना और नगर पालिका को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। सीमांत क्षेत्र के खटीमा ब्लॉक में
क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके एक दिवसीय खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी कर तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे ब्लॉक प्रमुख रंजीत नामधारी ने बताया कि राज्य सरकार का ये सौतेला व्यवहार गलत है। वित्तीय योजना से 20% कटौती व COVID-19 का बजट एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का मानदेय मिलना चाहिए। चेतावनी देते हुए बताया कि 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार से हमारी मांगों को नहीं माना तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। पंद्रहवा बजट जो सरकार द्वारा दिया गया है उसको राज्य सरकार ने कटौती करी है। केंद्र सरकार से हम लोगों को 30% बजट दिया गया था, ग्राम पंचायतों को 35% और जिला पंचायतों को 35%, उसको काट के सरकार ने 10% कर दिया। इसको विरोध करते हुए आज पूरे प्रदेश में 95 ब्लॉकों में तालाबंदी करी गई है। COVID-19 को देखते हुए 1 घंटे का सांकेतिक तालाबंदी करी गई है। 15 दिन का गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है गवर्नमेंट तो दोबारा अनिश्चित काल के लिए हम लोग धरने पर बैठेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विभिन्न योजनाओं से देश के नागरिकों को लाभ दिया है। लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, स्वच्छता रखने के लिए हर घर में शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्याधन योजना का लाभ दिया है। साथ ही गढ़वाल सांसद का कहना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री ने समय पर लॉकडाउन किया और हर घर को राशन मुहैया करवाया है। लॉकडाउन की वजह से राजधानी में पॉलीथिन का जमकर उपयोग हो रहा है। नगर निगम में ये ढील लॉकडाउन की वजह से दी गई थी, लेकिन अब इस तरह से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है जिसके बाद पॉलीथिन के प्रयोग पर प्रतिबंध लग सकता है। देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि इस वक्त राजधानी में पॉलीथिन का जमकर उपयोग किया जा रहा है। शासन की ओर से आदेश दिए गए हैं कि लॉकडाउन की अवधि में ज़्यादा सख्ती ना की जाए, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन में काफ़ी ढील दी गई थी, इसलिए अब राजधानी का जो पॉलीथिन मुक्त सपना है उसकी ओर कदम बढ़ाया जाएगा और शासन से बात करके फिर से पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जो हमारा ये कोरोना की महामारी चल रही है इसलिए पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई, तो ये हमारे चीफ सेक्रेटरी जी ने भी एक आदेश किया था कि जब तक ये वायरस ये प्रकोप इससे जो लॉकडाउन चल रहा है तब तक की प्लास्टिक की व्यवस्था है, जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा जब नई व्यवस्था होगी तो फिर उसको दोबारा से जो है हम माननीय चीफ सेक्रेटरी से भी कहेंगे कि जो प्रतिबंध आपने इसको खुला है उसको एक तो प्रतिबंध लगाया जाए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Literacy School, Mundao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure ke saath Mount Literacy School, Mundao. Aap dekh rahe hain K News, khabron ka saarthi. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जिले की पुलिस अब और भी सतर्क हो गई है। जिले के कप्तान द्वारा 2200 एसपीओ को जिले में तैनात किया गया है। साथ ही एसपीओ के एक आईटी की टीम भी तैयार की गई है जो बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों के डेटा एंट्री करके उनकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को उपलब्ध करवाएगी ताकि होम क्वारंटाइन किए गए लोगों को मॉनिटरिंग सही तरीके से की जाए। एसपीओ के नियुक्त पुलिस एक्ट के अनुसार
एसएसपी द्वारा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति एसपीओ के कार्य में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। प्रथम टास्क जो है कंट्रोल रूम में जो हमने आईटी टीम बनाई है उसको यही दिया है कि जितनी भी बैरियर पे गाड़ियां आ रही हैं उसमें उनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनको क्वारंटाइन नहीं होना है, जैसे गुड्स कैरियर जो ट्रक हैं उनको क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है, उसमें MHA के आदेश हैं कि वो आ सकते हैं जा सकते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं होना। इसमें दूसरी श्रेणी की गाड़ियाँ हैं जो सरकारी पास लेके आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड श्रेणी की गाड़ियां हैं जो हमें पता नहीं है कि वो गाड़ी में वो पास लेके आ रहा है या किसी और ज़िले का पास है जिसकी सूचना हमारे पास पूर्व में नहीं है। तो हमने इन सारी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है और जो बैरियर से इस तरह की गाड़ियां आएंगी जिसकी सूचना हमारे सिस्टम में पहले नहीं है उस गाड़ियों की एंट्री ये लोग जो है उसको एंटर करेंगे सिस्टम में। उधम सिंह नगर जिले को टिड्डियों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। ग्राम स्तर से लेकर विकास खंड तक तमाम अधिकारियों की तैनाती भी कर दी गई है। इसके अलावा किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से टिड्डियों से बचने के उपाय भी लगातार बताए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डी अब उत्तराखंड की ओर रुख कर सकता है। इसी को लेकर कृषि विभाग भी अलर्ट पर है। फूड बाउल क्षेत्र उधम सिंह नगर में भी किसानों को टिड्डी का डर सता रहा है। उनका कहना है पहले मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी थी और अब अगर टिड्डी जिले में दस्तक देता है तो किसानों की फसल तबाह हो जाएगी। अब इसके लिए जिला कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से बचने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में 10 से 15 किसानों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार कर ली गई है, जिनके पास ट्रैक्टर स्प्रे मशीन मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर दवा का छिड़काव किया जा सके। ग्राम स्तर पर कोऑपरेटिव और गन्ना विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पंचायत स्तर पर कृषि और उद्यान विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। विकास खंड स्तर पर विकास खंड अधिकारी को तैनात किया गया है। काशीपुर और रुद्रपुर में मॉनिटरिंग के लिए 2 कंट्रोल रूम तैयार किए जा रहे हैं, जबकि मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में जिले का कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। राजस्थान, दिल्ली, NCR और हरियाणा, पंजाब तक पहुँच चुका है। उत्तराखंड के किसान भी डरा हुआ है, तो यहाँ के किसान के लिए इस प्रदेश के कृषि विभाग को, प्रदेश की सरकार को समय रहते किसानों को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि किसान इसमें कैसे अपने सावधानी बरतें और साथ ही जो छिड़काव है दवाइयों का, इन दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में सरकार को निःशुल्क किसानों को देना चाहिए कि अगर टिड्डी का प्रकोप आए तो किसान के ऊपर इसका असर ना पड़े, किसान छिड़काव भी करे। और उसमें तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं बचा है। मैं जो आगे इतनी बरसात हो, गेहूँ निकली नहीं है, अब ये टिड्डी दल आ गया, ये अगर ये चल गया तो ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो किस तरीके से मांग करते हैं प्रशासन से? अभी सरकार संयोग करे, कुछ दे किसानों को कुछ सहायता, तो तभी कुछ होगा। जिला कृषि अधिकारी अभय सक्सेना ने बताया है कि टिड्डी के हमले से बचने के लिए जिले में संपूर्ण तैयारी कर ली गई। हमारा जो कृषि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय है काशीपुर में और रुद्रपुर में, वहाँ भी हमारा कंट्रोल रूम रहेगा और जिले का कंट्रोल रूम मुख्य कृषि अधिकारी के यहाँ रहेगा। ये सारे इनके मोबाइल नंबर वगैरह भी हमने सर्कुलेट कर दिए हैं कि अगर कहीं से भी कोई संभावना नज़र आती है तत्काल इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए और जिससे कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई कर सकने पर अपना इसका कंपनी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंपनियों का ऑफर भी है, तो ये दवाइयाँ भी हमारे यहाँ पर में अच्छी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक। अब देखना होगा कि टिड्डियों के हमले से उत्तराखंड के किसान कैसे अपनी फसलों की सुरक्षा करते हैं और अगर उधम सिंह नगर जिले में टिड्डी का हमला होता है तो कृषि विभाग द्वारा की गई तैयारियां कितनी कारगर साबित होंगी। रुद्रपुर से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के सितारगंज में नानकमत्ता जा रहे बाइक सवार पति पत्नी को बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। बता दें कि नानकमत्ता के पास ट्यूरी मोड़ पर बस वाले बाइक सवारों को टक्कर मारी जिससे पति की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई, जबकि पत्नी को सितारगंज हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर किया गया था और रास्ते में ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य
स्किन सितारगंज में दो मरीजों को लाया गया था। एक पेशेंट का नाम मंजीत सिंह था, एक का नाम गुरनाम कौर था। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये पंडरी से अपने यहाँ नानक मत्ता जा रहे थे, इनका घर है। तो इनका बस से एक्सीडेंट हुआ, ये लोग बाइक से थे। जो मंजीत सिंह है, इनके टांग में फ्रैक्चर था, हाथ में भी फ्रैक्चर था। बेहोशी की अवस्था में ये लाए गए थे अस्पताल में। और इनकी जो वाइफ थी गुरनाम कौर, ये भी बेहोशी की हालत में थी। इनकी दाई टांग में फ्रैक्चर था और पूरी टांग फटी हुई थी, मतलब उसमें ओपन इंजरी थी। अब इन दोनों को हम रेफ़र किया गया था, उपचार कर रहे थे इन लोगों का, जिसमें से मंजीत सिंह की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। और जो इनकी वाइफ है गुरनाम कौर, इनको हमने हल्द्वानी में रेफ़र कर दिया है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल कल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।